नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के पार्ट टू, और हम लोगों ने पिछली वीडियो में पार्ट वन क्लियर कर लिए थे। तो अगर आप लोग पार्ट वन देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और जैसे कि आपके लिए एक मैं छोटा सा ई बुक तैयार किए हैं, ठीक है, नोट्स मतलब, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर आप लोग जाके फ्री में ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, और आपको एक मैसेज करना होगा, हाय या हेलो कुछ कर दीजिएगा, उसके बाद आपका मैसेज देखकर उस पर सेंड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। ऑप्शन ए में है 8.3 मिनट, बी में है 7.3 मिनट, सी में है 9.4 मिनट और डी में है 10 मिनट। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, 8.3 मिनट लेता है, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, इसका आंसर 500 सेकंड भी गूगल पे दिया गया है, ठीक है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 500 सेकंड भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, मान लीजिए कि 8.3 मिनट है ना, तो एक मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ पे 8 मिनट का पहले निकाल लीजिए, 8 से गुना कर दीजिए, 8 × 6 = 48 हो जाएगा, यानी 480 आप प्लस 30 कर दीजिए और, तो कितना हो गया, 0, 1 और 5, यानी कि 510 लगभग आपका आंसर 500 ही दिया रहता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ध्यान में रखना है 500 सेकंड भी हो सकता है और 8.3 मिनट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, 2 नंबर प्रश्न में सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। ऑप्शन ए में है बुध, बी में बृहस्पति, सी में शुक्र और डी में है मंगल। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है, बुध ग्रह। उसके बाद देख लीजिए, 3rd नंबर प्रश्न में कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। ऑप्शन ए में है बुध, बी में शनि, सी में बृहस्पति और डी में मंगल। तो 3rd का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है, 88 दिनों में पूरी करता है कौन ग्रह, तो बुध ग्रह, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, 4 नंबर प्रश्न में किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है। ऑप्शन ए में है मंगल, बी में है बुध, सी में बृहस्पति, डी में है शनि। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है, बुध ग्रह। उसके बाद देख लीजिए, 5 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए में है मंगल तथा शुक्र, बी में बुध तथा शुक्र, सी में मंगल तथा बुध और डी में वरुण तथा प्लूटो। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, बुध तथा शुक्र। उसके बाद देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ऑप्शन ए में बुध, बी में शुक्र, सी में पृथ्वी और डी में मंगल। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है, बुध जो ग्रह है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो देखिए, नेवी AMR में खास करके इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपको पता नहीं होगा तो जाके आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हो, वहाँ पे सैंपल पेपर में भी दिया गया है और सिलेबस में भी दिया गया है, ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं उसको भी। उसके बाद देख लीजिए, 7 नंबर प्रश्न में सबसे तीव्र, तीव्र का मतलब तेज, ठीक है, सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। ऑप्शन ए में बुध, बी में पृथ्वी, सी में बृहस्पति और डी में शनि। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है, बुध ग्रह, 7 का ए हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, 8 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में बुध, बी में शुक्र, सी में मंगल और डी में बृहस्पति। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है, बुध जो ग्रह है परिभ्रमण सबसे अधिक है। उसके बाद देख लीजिए, 9 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव, ठीक है, अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में पृथ्वी, बी में बुध, सी में प्लूटो और डी में शनि। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है, बुध हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, 10 नंबर प्रश्न में चंद्रमा से सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है, दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। उसके बाद देख लीजिए, 11 नंबर प्रश्न में सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन ए में है मरकरी, बुध, बी में है मार्स,
सी में वीनस और डी में प्लूटो। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर, ठीक है, वीनस शुक्र। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 है ना, 11 का मैंने क्या बताया सी ना, 11 का सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो ये प्रश्न इस बार ईमार में पूछा गया था, ठीक है, आप लोग जाके सैंपल सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा हूँ, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको आप लोग देख लेंगे तो आप शायद एग्ज़ाम को क्रिक कर पाएंगे, इतना है, ठीक है, इतना मैंने उसके लिए बना रखा हूँ कि आप उसको पढ़ लीजिएगा तो एग्ज़ाम क्रिक हो जाएगा। दूसरी बात कि जो ई बुक पढ़ लेगा तो समझो कि उसका सिलेक्शन श्योर है कि होना ही होना है, ठीक है, बस ई बुक के लिए 7 से 8 दिन वेट करो। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर शुक्र। उसके बाद देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न में, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। ऑप्शन ए में मंगल, बी में शुक्र, सी में पृथ्वी, डी में बुध। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है, शाम का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न में, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से है। ऑप्शन ए में है बुध तथा शुक्र, बी में शुक्र तथा बुध, सी में बुध तथा मंगल और डी में बुध तथा बृहस्पति। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, बुध तथा शुक्र। उसके बाद देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न में, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। ऑप्शन ए में शुक्र, बी में पृथ्वी, सी में मंगल और डी में बुध। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, यूरोपवासी जो थे किस ग्रह की पूजा मतलब करते थे, तो शुक्र ग्रह की पूजा करते थे लोग, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न में, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में बुध, बी में मंगल, सी में शुक्र, डी में पृथ्वी। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर, ठीक है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में, कि पृथ्वी को सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक निकट ग्रह पृथ्वी के। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या आंसर, ऑप्शन ए में मंगल, बी में बृहस्पति, सी में शुक्र, डी में शनि। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर, ठीक है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा। उसके बाद देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो देखिए इस टाइप के जो मैंने अभी आपको 2-4-5 क्वेश्चन अभी करवाया, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से कर लेना होगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि एक नंबर इस बार चांस बनता है, मुझे जो लगता है, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था तो इस बार भी शायद बन सकता है। तो ऑप्शन ए में बुध, बी में शुक्र, सी में बृहस्पति, डी में शनि। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है, सौंदर्य का देवता। मैंने 18 का क्या बताया सी ना, ठीक है, शुक्र ग्रह। उसके बाद देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न में, सुपरनोवा क्या है। पुष्टल तारा, बी में ग्रहिका, सी में विस्फोटी तारा, डी में ब्लैक होल। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर, ठीक है, विस्फोटी तारा, सुपरनोवा जो है विस्फोटी तारा कहलाती है। उसके बाद देख लीजिए 21 नंबर प्रश्न में, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो देखिए ऑप्शन ए में है रॉबर्ट पियरी, बी में एमंड सेन, सी में तस्मान और डी में जॉन केबॉट। तो इसका हो जाएगा सही आंसर, 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, रॉबर्ट पियरी, जो कि उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। उसके बाद देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न में, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है, एमंड सेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कर लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न में, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। ऑप्शन ए में सूर्य, बी में चंद्रमा, सी में शुक्र और डी में प्रोकिस्मा सेंटोरी। तो
तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। ठीक है, 23 का ऑप्शन बी सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न में, पृथ्वी की भ्रमण की गति है, भ्रमण की गति है ऑप्शन ए में 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट, और डी में 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, 27 किलोमीटर प्रति मिनट पृथ्वी की भ्रमण गति है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन 25, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना है लगभग, तो यहाँ पे देखिए 25 कितना है 25,000 ना, और यहाँ पे 20,000, 12,800, 6,400, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर, 12,800 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। ठीक है, तो ये रहा आज का 25 प्रश्न। और आप लोग देखिए जितने भी ज्योग्राफी के आज मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसमें लगभग लगभग आपको ये जो हम लोग सौर मंडल से अभी कर रहे हैं प्रश्न, ठीक है, सौर मंडल से प्रश्न अभी हम लोग कर रहे हैं, तो लगभग कल तक इसका मतलब हो जाएगा क्लियर। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में दूसरा चीज करेंगे, उसके बाद हम लोग नदी जितने भी हैं, मुद्रा, ये सब चीज़ें जो भी आता है जैसे जैसे आएगा उसको मैं हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, पूरा एग्जाम तक कोर्स को क्लियर करा दिया जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैथ की वीडियो हो सकती है तो आज शाम की आएगी, और नहीं तो कल मॉर्निंग में। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।